स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग 10 बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं। ये 10ों बहुविकल्पीय प्रश्न 5 हैं माइक्रो इकोनॉमिक से और 5 हैं मैक्रो इकोनॉमिक से। ये सभी प्रश्न 2014 वाले विद्यार्थियों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा पूछा गया था, स्पेशली साइंस और कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को ये सवाल था। तो ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न में क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तो हम लोग जानते हैं एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्हीं को हम लोग आधुनिक अर्थशास्त्र का पितामह कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एकाधिकार की विशेषता है। हम लोग जानते हैं कि एकाधिकार बाजार की कौन सी विशेषता होती है, कि यहाँ पर एक विक्रेता होता है और बहुत सारे क्रेता होते हैं, यानी कि सिर्फ एक सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर में बायर्स होते हैं। ठीक है, चलिए। वैसे तो देखें मोनोपोली की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन प्रश्न के अनुसार सिर्फ ऑप्शन हमारा सी ही सही होगा। चलिए आगे जाते हैं। अगला जो है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, यानी कि मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। हम लोग जानते हैं कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन को ही हम लोग मांग की लोच कहते हैं, यानी कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह वक्र जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है कहलाता है, यानी कि द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जो दिखलाता है ना, उसे हम लोग कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका जो है शॉर्ट नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, PPC, या फिर एक और नाम से जानते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी कि PPF। तो हम इसे उत्पादन संभावना वक्र या फिर उत्पादन संभावना सीमा भी कहते हैं। कई बार इसे जो है वो हस्तांतरण वक्र भी कहा जाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी हम लोग उत्पादन संभावना वक्र को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर जाएं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, यानी कि व्हाट इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तुम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या भाई? इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब कि संसाधनों की इतनी कमी है कि हम सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। ऐसा प्रॉब्लम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होता है, देश लेवल पर भी होता है, कंट्री लेवल पर भी होता है, स्टेट लेवल पर भी होता है। इसलिए ये सभी के सभी जो हमारे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट जो प्रॉब्लम आया है वो क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का आवंटन, यानी कि जो देश में संसाधन उपलब्ध हैं, प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधन, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज जिसे हम मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स। इन तीनों तरह के रिसोर्सेज का हम कहाँ पर कितना एलोकेशन कर दें ताकि हर एक जगह जो है उत्पादन का कार्य होता रहे, क्योंकि हमें विभिन्न तरह की उत्पादन प्रक्रिया में जो है वो चीज़ों को शामिल करना होता है ना, हमें अलग अलग चीज़ें चाहिए होता है देश के अंदर। इसलिए हमें सोचना पड़ता है कि हम संसाधनों का एलोकेशन किस ढंग से करें। तो ये हमारा एक सेंट्रल प्रॉब्लम बना रहता है। दूसरी बात क्या है, इफ़िशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का अनुकूलतम या फिर कुशलतम उपयोग। जब तक हम देश में संसाधनों का कुशलतम उपयोग ना करें, तब तक हम किसी देश की आर्थिक प्रगति के बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए संसाधनों को जो है वो ठीक ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर हमने कहीं संसाधनों का अकुशल तरीके से प्रयोग किया या फिर अपूर्ण तरीके से प्रयोग किया, तो फिर देश की आर्थिक विकास की हम जो है वो बात नहीं कर सकते। फिर आगे क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास, ये हर एक अल्प विकसित देशों का खास करके जो है वो हमेशा से समस्या बना रहता है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाए ताकि हम आर्थिक कल्याण को प्राप्त कर सकें। तो ये भी एक जो है वो केंद्रीय आर्थिक समस्या बनी रहती है। देश के अंदर में गरीबी, बेरोजगारी या फिर असमानता जैसी कई आर्थिक समस्याएँ होती है जो कि केंद्रीय आर्थिक समस्या ही हैं। तो ऑप्शन के अनुसार इनमें से सभी हमारा जो है वो केंद्रीय आर्थिक समस्या ही है। चलिए अब हम लोग जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे प्रश्न को देखेंगे। ये भी प्रश्न जो है 2014 में ही पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न क्या पूछा कि किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं, यानी कि थ्रू विच मीडियम वी कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। हम किस तरीके से पैसा निकाल सकते हैं बैंकों से? तो सबसे पहले यानी कि प्रचलन में जो थी वो था क्या, विड्रॉल पेपर या फिर विड्रॉल फॉर्म, यानी कि बैंकों में जाने के बाद एक ऐसा फॉर्म दिया जाता था जिसमें कि हम लोग जो है अपना नाम, अकाउंट नंबर और साथ में डेट वगैरह मेंशन कर दिया करते थे और यहाँ पर कोना में साइन कर दिया करते थे। तो हमें जो है वो कैशियर से आसानी से यानी कि पैसे मिल जाता था, है ना। तो यहाँ पर विड्रॉल फॉर्म के माध्यम से हम लोग पैसे निकाला करते थे।
ये तो था ट्रेडिशनल, लेकिन अब हुआ क्या, कुछ दिन बाद हम लोग देखे क्या कि यहाँ पर जो है वो चेक का भी प्रचलन बढ़ा, लोग जो है चेक के माध्यम से भी लेन देन करना स्वीकार कर लिए, तो इस प्रकार से चेक का भी प्रचलन धीरे धीरे बढ़ गया। इसके बाद अभी जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जिससे हम लोग पैसे निकालते हैं वो है हमारा क्या, ATM। ATM का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या कहते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इनमें से सभी जो है वो हमारा क्या है, बैंकों से मुद्रा निकालने के अलग अलग ये तरीके हैं या फिर मेथड हैं। चलिए आगे जाते हैं, अगले प्रश्न पर आ गए। अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। हम लोग जानते हैं कि देश में जो केंद्रीय बैंक है वो सरकार का बैंक होता है, सरकार का एजेंट भी होता है और सरकार का सलाहकार भी होता है, यानी कि जब कभी सरकार को सलाह की ज़रूरत होती है तो केंद्रीय बैंक सलाह भी देता है, और जहाँ कहीं भी सरकार लेन देन करती है खास करके विदेशी मामलों में जब दूसरे देश से कुछ चीज़ें लेन देन करना होता है तो बीच में जो है वो केंद्रीय बैंक जो है वो एजेंट के तौर पर कार्य करता है, जनता के बीच भी और सरकार के बीच भी केंद्रीय बैंक जो है वो एजेंट के तौर पर कार्य करता है। और ये चूंकि जनता का बैंक होता नहीं है, केंद्रीय बैंक किसका होता है, सरकार का होता है, तो इसलिए कहेंगे सरकार का बैंक, यानी कि सरकार का बैंकर, एजेंट और सलाहकार के रूप में केंद्रीय बैंक कार्य करता है। इसके अलावा यह जो केंद्रीय बैंक है वो बैंकों का बैंक है, क्योंकि जितने भी देश में व्यावसायिक बैंक हैं उन सभी बैंकों का ये शीर्ष स्थान पर होता है, या फिर कह सकते हैं अपेक्स इंस्टीट्यूशंस है हमारे देश के लिए, तो इसलिए कहेंगे कि जो केंद्रीय बैंक होता है वो पूरे देश में जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों का हेड होता है या फिर मुखिया होता है। समझ पाए। एक इसका और भी जो है सबसे बड़ा कार्य क्या है, इशूइंग करेंसी नोट्स, यानी कि नोटों को जारी करना। खास करके ध्यान में आपको हमने जो है वो चीज़ों को बताया भी है कि आप एक रुपये के नोट को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी नोट देश में चलन में होते हैं भारत के अंदर में, वे सभी के सभी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। आप जो है भारत से रिलेट करके चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी नोट जारी करने का कार्य होता है वो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा अगले प्रश्न में क्या पूछा हुआ है कि लाभ का निम्न में से कौन सा घटक है। लाभ जो है वो निम्न में से कौन सा घटक, लाभ का निम्न में से कौन सा घटक है, तो इनमें से सभी हमारा जवाब सही हो जाएगा, क्योंकि यह एक तरह का जो है वो कंपोनेंट है क्या, प्रॉफिट का, जैसे कि डिविडेंड है ना, इसके अलावा क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स जो प्रॉफिट होता है ना, कॉरपोरेट टैक्स को हम लोग निगम कर या फिर निगम लाभ कर भी कहते हैं, तो इनमें से सभी हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसने कहा समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि वो नाम कौन सा था, कीन्स का, है ना, कीन्स ने ही कहा था कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो पूरी अर्थव्यवस्था का या फिर सारी अर्थव्यवस्था ही का जो है अध्ययन करता है कि किस प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था कार्य करती है। तो यही चीज़ कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित होता है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। समझ में आ गया होगा, ये किसने कहा था, प्रोफेसर JM Keynes ने, जॉन मिनार्ड कीन्स ने। और आखिरी प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि प्रत्यक्ष कर है। देखिए प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर जो है वो आपको ध्यान में होगा, प्रत्यक्ष कर हम लोग किसको कहते हैं, वे सभी कर जो कि टाला नहीं जा सकता, जिस व्यक्ति पर लगाया गया उसी व्यक्ति के द्वारा वो जो है वो भरा भी जाता है गवर्नमेंट को, तो यहाँ पर कहते हैं उसे प्रत्यक्ष कर। यानी कि इंसिडेंट्स और इम्पैक्ट अगर सेम पर्सन पर होल होता है तो उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं, है ना। तो प्रत्यक्ष कर हमारा कौन सा है, इनकम टैक्स भी है, गिफ्ट टैक्स भी, यानी कि ये और भी दोनों हमारे सही जवाब होंगे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। इसी तरह की वीडियो अपडेट हम लोग लेंगे आगे भी, बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।